दोस्तों नमस्कार। नल जल किसको चलाना है, पीएचडी के जो इंजीनियर है उनसे फ़ोन पर बात हुआ है और क्या कह रहे हैं, इस ऑडियो को आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे। नल जल चलाना किसको है, भूमिदाता को चलाना है या अनुरक्षक को चलाना है या वार्ड सदस्यों को चलाना है। सरकारी भूमि पर जो नल जल है वो कौन चलाएगा, प्राइवेट भूमि पर जो नल जल है वह कौन चलाएगा, इसकी जो है जानकारी आप लोगों को पीएचडी विभाग के जे के द्वारा जो हमें मिला है इसकी जानकारी मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ साझा कर दूं। तो सबसे पहले वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं चाहूँगा कि ऑडियो को आप लोग सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि नल जल चलाना किसको है। जब तक आप लोग कुछ लिखेंगे नहीं तब तक हमको कुछ समझ में आएगा नहीं। जब आप लिखेंगे तो हम भी देखेंगे और आप लोगों को सारे कमेंट जो है हम देखते रहते हैं और हम देखेंगे और भी लोग देखेंगे कि नल जल चलाना किसको है। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आंदोलन आपका तेज होगा नहीं। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा वीडियो को तब तक आंदोलन आपका तेज नहीं होगा। क्या होना चाहिए, नल जल किसको चलाना चाहिए, वार्ड सदस्यों को चलाना चाहिए या अनुरक्षक को चलाना चाहिए या फिर जो जमीन दिया है उसको चलाना चाहिए, नियमावली क्या कहता है और नियम क्या होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और आप लोग भी कमेंट करेंगे कि नल जल वाकई में चलाना किसको चाहिए। हालांकि बिहार का जो 80% नल जल धीरे धीरे बंद होता जा रहा है इसी लफड़ा और इसी झगड़ा में। कुछ नल जल अच्छा है फिर भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि यह झगड़ा तीन घरवा झगड़ा लगा हुआ है अनुरक्षक भूमिदाता और वार्ड सदस्यों के बीच में। तो यह झगड़ा कैसे समाप्त होगा इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन भी सामने आ गया है और इस इलेक्शन में भी कोई भूमिदाता अनुरक्षक या वार्ड सदस्य जो भी है आज तक नहीं एक भी ऑडियो वीडियो नहीं आया है कि किसी नेता से कोई सवाल करे नल जल पर। लोग जाति के नाम पर पार्टी के नाम पर सिर्फ वोट के लिए चर्चा करते हैं कि हम इसको वोट देंगे तो हम उसको वोट देंगे, फिर यह सवाल क्यों नहीं लोग करता है उस नेताजी से चाहे उन वोट मांगने वाले लोगों से कि नल जल किसको चलाना है, नल जल का पेमेंट बाकी है, 4 साल 5 साल मजदूरी किया है, सरकार पैसा भेजा है, ये सब जो है पैसा घोटाला होता जा रहा है। ये सब सवाल होना चाहिए, करना चाहिए आप लोगों को सवाल। कब तक हम आप लोगों के आवाज़ उठाते रहेंगे, कब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जब तक आप लोग भी आवाज़ नहीं बनिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। सभी को आवाज़ बनना पड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। भाई यह बिहार है, गंगा बहरे की यह सरकार है, जब तक जो है आप लोग मुस्तैदी नहीं होइएगा तब तक आप लोगों को अधिकार मिलेगा नहीं। चलिए सुनते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को जो पीएचडी विभाग के जय साहब से बात हो रहा है, क्या कह रहे हैं, नल जल किसको चलाना है, सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग को। हेलो, प्रणाम सर। खपली से बोल रहे हैं, पानापुर प्रखंड से। खपली से बोल रहे हैं, पानापुर प्रखंड से। अनुरक्षक एक बार और फोन भी किए थे, आवेदन भी दिए थे, एक तो वही नल जल का। नल जल का, हाँ बोलिए ना जी। तो और अनुरक्षक में पूर्व का जो हमको चयन किए हैं, अभी जो नया वार्ड है वो चाबी लेकर के बाधित किए हैं, तो उसको इसलिए हम आवेदन दिए थे वहाँ पे। मतलब क्या करेंगे हम, बताओ जरा। तो सर कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जमीन किसका है? जमीन सरकारी है। तो सरकारी है तो वर्तमान में जो वार्ड सदस्य वही चलाएगा ना। वर्तमान में वार्ड सदस्य है और जगह तो सब सरकारी जमीन में है, वो तो अनुरक्षक है पूर्व का जो हाल वो चला रहा है, जमीन ज्यादा चला रहा है। जो नियम है ना कि जो जमीन दिया है वो चलाएगा, सरकारी जमीन पर है तो वर्तमान वार्ड सदस्य वो चलाएगा, वो बदल जाएगा तो फिर दूसरा वार्ड आएगा तो वो चलाएगा। वो चलाएगा, नियम तो ही है।
ठीक है सर, ठीक तो हम आवेदन फिर पीएचडी विभाग में जिला में दे देते हैं। इसके बाद हम ही चुपचाप बैठते हैं, जब आएगा निर्णय तो देखा जाएगा उस समय। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने पीएचडी विभाग को जैसे सुने कि नियम क्या है, पीएचडी विभाग के जय बोल रहे हैं कि जहां सरकारी जमीन पर नल जल है वहां वार्ड सदस्यों को चलाना है, जो भी वार्ड सदस्य रहेंगे वही चलाएगा, फिर नया वार्ड आएंगे तो फिर नया वार्ड चलाएगा सरकारी जमीन पर का। और जहां प्राइवेट जमीन पर नल जल है वहां वार्ड सदस्य नहीं चलाएंगे, जिसके जमीन में है वही चलाएगा। यह पीएचडी विभाग का जय बोल रहे हैं कि सरकार का यही नियम है। लेकिन बहुत सा ऐसे जगह पर जहां प्राइवेट जमीन पर नल जल है वार्ड सदस्य ने दबंगई कर रहा है। क्यों दबंगई कर रहा है भाई, क्या मिलेगा आपको दबंगई करने से? नल जल चलाने से आपको क्या नौकरी मिल जाएगा? जो जमीन दिया है दूसरे के जमीन पर, आपका दबंगई क्यों का है? आप सुन रहे हैं ना कि सरकार का नियम क्या है, कि प्राइवेट जमीन पर जिसका नल जल है वह जमीन वाला ही चलाएगा, और जहां सरकारी जमीन पर है वहां वार्ड सदस्य नल जल को चलाएगा, चाहे जौन वार्ड सदस्य हो। बस 5 साल के लिए आप आएंगे, हारेंगे और जीतेंगे, फिर दबंगी करने से मिलेगा क्या? और सरकार दे क्या रहा है नल जल चलाने वाले को? कुछ दे रहा है क्या? वो ये दबंगई में, ये झगड़ा में, झंझट में आम जनता के पानी बाधित हो रहा है, आम जनता को पानी मिल नहीं पा रहा है। हाँ आप वार्ड बने हैं, जाइए सरकारी जहाँ जमीन है वहाँ चलाइए, लेकिन प्राइवेट जमीन पर रंगदारी करना छोड़ दीजिए। तो इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और ख़ास करके वो शेयर करें जिनके प्राइवेट जमीन में नल जल लगा हुआ है, अपने अपने फेसबुक आईडी पर शेयर करें, ताकि आपके अधिकार को कोई छीन न सके, कोई नहीं छीने, क्योंकि आप जमीन दिए हैं तो अधिकार तो बनता ही है। लेकिन वर्तमान वार्ड सदस्य क्या कहते हैं कि निबंधन कीजिएगा तब ना, जमीन निबंधन कर देगा तब, आप ही कानून जानते हैं, हैं? आप ही को ज़्यादा नियमावली मालूम है कि जमीन निबंधन कीजिएगा तब हम नल जल देंगे, रंगदारी नहीं चलेगा। बस कुछ लोगों के बहकावा में आप लोग आ जाते हैं, अब प्राइवेट जमीन वाले के साथ जबरदस्ती करते हैं, केस मुकदमा आप लोग करते हैं और केस मुकदमा करवा लेते हैं, और गांव के लोग जो है शांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। छपरा जिला में देखे थे क्या हुआ था, यादव के जमीन पर नल जल था और यादव ही नया वार्ड बना था, गांव के लोग कुछ हो चढ़ा दिया नया वार्ड को और चढ़ गया कि नल जल हम चलाएंगे, दोनों तरफ से चाकूबाजी हुआ, दोनों तरफ से कपड़ फरोवल हुआ और वार्ड सदस्य को जेल जाना पड़ा। क्या मिला लोग को चढ़ा देने से? कपार फूटा, पेट में चाकू लगा, मुकदमा हुआ, वार्ड सदस्यों को जेल जाना पड़ा। आखिर दूसरे के जमीन पर कब्जा क्यों का है? क्या मिलेगा आपको कब्जा करने से? कब्जा अगर आपको दूसरे के जमीन पर कब्जा करना है तो कागज से कब्जा कीजिए, लाठी से कब्जा नहीं होगा। जाइए वीडियो साहब से मांगिए कागज कि प्राइवेट जमीन पर नल जल है, कुछ कागज दीजिए हमको कि ताकि हम नल जल चला। उल्टे कहते हैं कि जमीन वाला को रजिस्ट्री करेगा तब हम चलाने देंगे, हैं? आप सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, जबरदस्ती छोड़ दीजिए रंगदारी, नहीं चलेगा रंगदारी। जितने भी जमींदाता भाई लोग हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। जो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है उसको जबरदस्ती मत करने दीजिए, क्योंकि आपने जमीन दिया है। हम रजिस्ट्री करेंगे कि नहीं करेंगे ये हमारे और सरकार के बीच की मामला है, किसी वार्ड सदस्य के बीच की नहीं। वार्ड सदस्य कौन होता है कहने वाला? रंगदारी कीजिए कि जमीन रजिस्ट्री कीजिए, क्या है वार्ड सदस्य? 3 साल बीत गया, 2 साल बचा हुआ है, इलेक्शन आएगा, हार जाएगा, चला जाएगा, क्यों नहीं वार्ड सदस्य जाता है आंगनबाड़ी में?
जहां प्रत्येक महीना 10-20 हजार रुपए की घोटाला होता है प्रत्येक महीना। उस आंगनबाड़ी में आपके वार्ड के जो लोग हैं, आपके वार्ड के जो बच्चे हैं, उसको खिचड़ी दिया जाता है खाने के लिए, वो भी बढ़िया खिचड़ी नहीं, जबकि पौष्टिक आहार देना है बच्चे को। क्यों नहीं जाते हैं आप अपने स्कूल में जहां पौष्टिक आहार बच्चों को देना है? इतना घटिया खाना बनता है कि उस स्कूल के बच्चे खाना नहीं खाता है, घर चलाता है। जितने बच्चे घर चलाता है, क्या उसके खाना का पैसा वापस किया जाता है? उसका पैसा कौन रख लेता है? वार्ड सदस्य रखता है ना, मास्टर से मिली भगत है ना वार्ड सदस्य, तब ना नहीं खोजता है। नल जल पर कब्जा करने आते हैं, नौकरी मिल जाएगा आपको, सरकारी नौकर हो जाइएगा। आप लोग वार्ड सदस्य बने हैं तो आपके वार्ड में जितने भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़िए। आपके वार्ड में रोड गड़बड़ बन रहा है, आपके वार्ड में नाला गड़बड़ बन रहा है, कभी खोजे हैं? डर लगता है कि मुखिया जी हैं और वार्ड होकर जमींदाता से लड़ने के लिए ताकत है, मुखिया जी से लड़ने के लिए ताकत नहीं है, हैं? आपका फंड गड़बड़ा जाएगा, शर्म लगता है। वार्ड सदस्य है तो सबके लिए लड़िए, अपने वार्ड के विकास के लिए लड़िए, तब जो है आपको कहा जाएगा कि वार्ड है। नल जल के लिए लड़ने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो छपरा जिला में संतोष यादव के नल जल के साथ हुआ था। हालांकि इस तरह के कई घटना हुआ है, समस्तीपुर में गोलीकांड भी हुआ है, इसीलिए आप कब्जा कीजिएगा नल जल को। 2 साल के बाद वार्ड नहीं रहिएगा, ना नल जल के आप कुछ रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।